भी सपने देखते हो वर्ल्ड की बिगेस्ट एनर्जी कंपनी सऊदी अरामको में काम करने के लिए, देन यू नीड टू क्लियर द क्रेन रिटर्न टेस्ट राइट, एंड दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, प्रिपरेशन एंड द राइट रिसोर्सेज. सो दैट्स वेयर वी कम इन, इंट्रोड्यूसिंग यूर यूट्यूब चैनल उजैर क्रेन ब्लॉग. यहाँ पर आपको क्रेन ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी, एंड साथ ही में आपको हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम वो भी बताया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे. सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके. एंड या इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड देन किक स्टार्ट योर करियर एट सऊदी अरामको एंड ऑल द बेस्ट. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल उजैर क्रेन ब्लॉग. हाउ आर यू गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड. गाइज आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरामको मोबाइल क्रेन रिटर्न टेस्ट का, जो 102 क्वेश्चन का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 19. गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. देखिये ये है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन है रेफर टू ड्राइंग एंड ग्रो 8750B लोड चार्ट एंड रेंज डायग्राम, व्हाट इज द ग्रॉस कैपेसिटी एट मैक्सिमम रेडियस. क्रेन है ग्रो 8750B मॉडल का क्रेन है. क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रॉस कैपेसिटी एट मैक्सिमम रेडियस. अभी हमको ग्रॉस कैपेसिटी निकालने के लिए हमको बूम लेंथ निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन में मैक्सिमम रेडियस दिया हुआ है, हम मैक्सिमम रेडियस ही फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे दो रेडियस दिया हुआ है, 18 मीटर और 6 मीटर. यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है 35 डिग्री का और 17 मीटर का. यहाँ पे बूम लेंथ हमको निकालने के लिए चार चीजें दी हुई हैं. तो जिसमें चार चीजें दिया हुआ रहेगा उसमें हम रेडियस और टिप हाइट से बूम लेंथ निकालेंगे. अगर सिंगल रेडियस दिया रहेगा तो हम बूम एंगल से बूम लेंथ निकालेंगे. ठीक है, तो आइए चलते हैं 18 मीटर का रेडियस और 17 मीटर का टिप हाइट से हम बूम लेंथ निकालते हैं, देखते हैं कितना बूम लेंथ आता है. यह है हमारे पास लोड चार्ट, 8750B का लोड चार्ट है. ये आप देख सकते हैं ये 8750B का लोड चार्ट है और ये 18 मीटर का रेडियस है और ये 17 का टिप हाइट है. देखिए ऊपर 18 है और नीचे ट्रायंगल के अंदर आपको 16 दिख रहा होगा, सेंटर में हमारा 17 है. 17 मीटर का हमारा टिप हाइट था और 18 मीटर का रेडियस था. देख सकते हैं इधर 18 मीटर रेडियस है, 17 मीटर टिप हाइट है. और अभी इसका हम बूम लेंथ देखेंगे जाके. देखो ये वाला लाइन बूम लेंथ, ये कॉर्नर जो है ये वाला लाइन क्रॉस कर रही है 17 मीटर का रेडियस पे. ये लाइन पकड़ते हुए सीधा जाएंगे, देखिए ये 24.4 मीटर का बूम लेंथ हमारा आ रहा है. देख सकते हैं आप लोग 16 मीटर 17 मीटर का टिप हाइट और 18 मीटर का रेडियस, 18 मीटर का रेडियस 17 मीटर का टिप हाइट और जो हमारा बूम लेंथ आ रहा है देखें ये 24.4 मीटर का बूम लेंथ है. अभी हम लोड चार्ट में जाके देखेंगे 24.4 मीटर के बूम लेंथ में मैक्सिमम रेडियस जो 18 है उसमें हमारा आंसर कितना आता है. ठीक हो गया, अभी ऑप्शन देख लेते हैं. देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी 4235 kg, 4325 kg, 5243 kg, 3425 kg. ये लोड चार्ट है. देखिए ये 24.4 मीटर का हमारा बूम लेंथ है. अब इसी बूम लेंथ में हम सीधा नीचे देखते आएंगे 18 मीटर के रेडियस के बराबर में, 18 मीटर के रेडियस के बराबर में सीधा देखते हैं. देखें इधर आ गया ये देखिए, अभी इधर से ये 18 मीटर का रेडियस है. देखिए ये 18 मीटर का रेडियस है, 18 मीटर का रेडियस ये है. यहां से ये सीधा लाइन पकड़ते हुए आएंगे और ये बूम लेंथ है. देखें ये 20 ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये सीधा ऊपर 24.4 मीटर का बूम लेंथ है और हमारा जो आंसर है 18 मीटर के रेडियस पे वो आप देख सकते हैं 4235 kg, 4235 kg 24 मीटर का बूम लेंथ में और 18 मीटर के
रेडियस में 4235, अभी चल के 4235 अभी चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं क्या है। देखे यहाँ पे ऑप्शन ए 4235 के जो ऑप्शन ए में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए 4235 के जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।